हम बात करें न्यूजीलैंड के कप्तान और ओपनिंग बैट्समैन जीत रावल से. जीत, वंडरफुल हैविंग यू हियर. अ डिफरेंट लुक टू द न्यूजीलैंड ए टीम एंड ऑफ कोर्स द सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट. तो अभी हम साद अली से बात कर रहे थे और उन्होंने हमें कहा कि ही वाज वेरी सरप्राइज्ड दैट इट वाज मोर अ पिच फॉर फास्ट बॉलर्स. तो आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं उससे सहमत हूँ और फास्ट बॉलर्स को थोड़ा असिस्टेंट भी मिल रहा है और स्पिन बॉलर को भी थोड़ा टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे थोड़ा असिस्टेंट मिल रहा था. तो मेरे ख्याल से इवन पिच है दोनों बैट्समैन और बॉलर के लिए इनफ है विकेट में कि थोड़ा बॉलर को भी असिस्ट हुए, बैट्समैन जो थोड़ा वॉच करके खेलेंगे तो वो भी रन बना सकते हैं. And of course, your bowlers got a good outing yesterday because you know a full day's game. कल के पिच और आज के पिच में how do you think it's playing out? कल नया विकेट था, थोड़ा सन भी था तो वो थोड़ा फ्लैट था और आज जो अभी विकेट को यूज़ हुआ है तो थोड़ा ब्रेकअप हो रहा है तो स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिल रही है और फास्ट बॉलर्स को भी थोड़ा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे थोड़ा स्विंग रिवर्स स्विंग मिल रहा था. तो कल जो फर्स्ट आवर होगा काफ़ी चैलेंजिंग होगा, हम उसको नेगोशिएट कर पाएंगे तो वी कैन सेट अप ए गुड टोटल हियर. जीत, ये जो न्यूजीलैंड एक गेम्स जो है आपके लिए कितनी अहमियत रखती है? इज इट अ स्टेपिंग स्टोन टू द मेन स्क्वाड? हाँ, डेफिनेटली स्टेपिंग स्टोन है और मोर इम्पोर्टेंटली इट्स अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर आवर गाइज हु हैवंट प्लेड इन दिस कंडीशंस बिफोर. सो नाउ आवर गाइज हैव रिस्पोंडेड ब्रिलियंटली, यू नो एवरी गेम दे हैव गॉन बेटर एंड बेटर, दे हैव लर्नड अ लॉट थ्रू आउट द टूर. सो लुक, बिग थैंक्स फॉर न्यूजीलैंड क्रिकेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस आई टूर अलॉन्ग साइड दिस ब्लैक कैप्स टूर, बिकॉज यू नो इफ द अपॉर्चुनिटीज कम फॉर प्लेयर्स टू कम इन टू द साइड दे आर रेडी एंड दे आर क्लाइमेटाइज टू द कंडीशंस. सो लुक, इट्स अ मैसिव पॉजिटिव, यू नो, एंड इट्स बीन ग्रेट. आवर गाइज हैव लर्नड अ लॉट. ऑफकोर्स हमेशा लोग यही कहते हैं कि ओपनर्स पे ज़्यादा प्रेशर है, यू नो द ओपनिंग बॉल हुएवर द स्ट्राइक बॉलर इज़ एट द टाइम. तो आप ओपनिंग बैट्समैन और कैप्टनसी को आप कैसे संभालते हैं? इट्स ओके. कैप्टनसी जब फील्डिंग करते हैं तब उसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, जब बैटिंग करने की बारी आती है तब मैं कैप्टनसी के बारे में भूल जाता हूँ और जब my mind is totally focused on batting only. So look, it's in a fine balance, but two are different, and make sure when I'm batting I'm not talking about captaincy, it's about doing my job as a batsman in the team. So of course Pakistan side pe Shan Masood scored 73, Saad Ali so far the highest with 144, Usman Salahuddin jo sab main team mein khel chuke. To aapne apne bowlers ko kya advice diya ki in jo experienced batsman hai inse kaise deal kare? हाँ, हम लोग सीख रहे हैं, यू नो, गेम बाय गेम. लास्ट गेम में खेले थे, लास्ट गेम में शान मसूद ने दोनों इनिंग में 100 बनाया था. तो हमारे बॉलर्स भी लर्न कर रहे हैं कि इस बैट्समैन को इस कंडीशन में कैसे बॉलिंग डाले जाए. न्यूजीलैंड में हम डिफरेंट तरीके से अटैक करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट तरीके से अटैक करना पड़ता है. सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ लर्निंग, एंड मेरे ख्याल से हमारे बॉलर्स एवरी गेम, यू नो, दे हैव गॉन बेटर एंड बेटर. सो लुक, द लर्निंग्स दे हैव टेकन इट्स बीन ट्रेमेंडस एंड वी कैन सी द रिजल्ट्स दे आर पुटिंग आउट. सो होपफुली वी कैन कीप गेटिंग बेटर एंड गेट इन अ गुड पोजीशन टुमारो. And Jeet, tell us a little bit about how you came into New Zealand cricket. Of course, you were born in Gujarat, India. So, वहाँ से आप New Zealand cricket main team में कैसे आए? Yeah, I was born in Gujarat, and my family moved to New Zealand when I was 16. My mum and dad decided to migrate there mainly for better lifestyle and more opportunities. And I used to play cricket back in India. And when I went to New Zealand, you know, I started playing cricket for school. And then I got selected for the Auckland age group sides, you know, under 16, under 19, and then on the opportunities came along, and you know, I found new home, and I kept performing, and over the years, you know, things started to fall into place, and finally I got an opportunity to play for New Zealand, and I must say it's a wonderful country, and it's a land of opportunities, and the way they've accepted people from around the world, it's been tremendous. एंड ऑफकोर्स हम देख रहे हैं कि सारे टीम्स में, जैसे इंग्लैंड की टीम में आदिल रशीद और मुइन अली हैं, यू नो ऑस्ट्रेलिया ए ऑल्सो हैड समन हु वेंट इनटू द मेन टीम, दे सीम्स टू बी एन एशियन बॉलर. आप जो है आप बैट्समैन हैं, तो हाउ डिड यू एडजस्ट फ्रॉम ऑल्दो यू आर वेरी यंग फ्रॉम मुंबई टू न्यूजीलैंड कंडीशन? हाँ, आई वॉज यंग, आई वॉज 16, सो I had a good coach in New Zealand, you know, who made sure that I spent a lot of time learning about the condition, because batting in New Zealand is different to batting in India. So mere ko mere game ko thoda sa adjust karna pada, you know, especially New Zealand mein ball kaafi swing hoti hai, seam hoti hai, so you know you have to make sure your technique is tightened up, you know, you are not playing outside your line and you're leaving the ball outside off stump and making the baller come straight to you. So you know, there are a few minor tweaks here and there, but finally I managed to get a good handle of it, and hopefully I can continue this form.